कांग्रेस की राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर को बदले जाने की अटकलों पर आज विराम लगा दिया। कुमारी शैलजा ने हिसार में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, अध्यक्ष बदले जाने को लेकर फिलहाल कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सब मीडिया की अटकलें हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। कांग्रेस में प्रेसिडेंट बदलने की बहुत दिनों से अटकलें चल रही हैं, ये अटकलें ही रहेंगी या कुछ रहेगा? मीडिया में ही चलती रहती हैं। नहीं, आप क्या कहते हैं कि नहीं बदला जाएगा? भाई ये फैसला हाईकमान का होता है, और हाईकमान को लगेगा कि बदलना है तो वो बदलेंगे, हाईकमान को लगता है कि नहीं बदलना है तो वो नहीं बदलेंगे। इतना इसमें इतनी स्पेकुलेशन की गुंजाइश कहाँ? सभी नेता अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं, कांग्रेस मजबूत होगी जब सारे लीडर सभी एक्टिव हैं। इसमें मुद्दा ये होता है कि जिस भी लीड आते हैं वो कांग्रेस सीएम बोलते हैं, रणजीत सिंह चौटाला को खुलेआम बोल रहे हैं सब कांग्रेस सीएम बनेंगे, उद्धव सिंह खत्म है कौन सीएम, वो ऐसे बोलो कौन सा सीएम होगा? कोई हर्ज नहीं, वो तो अब क्या उससे क्या होता है, तो जब हमारी सरकार बनेगी किसको क्या मानते हैं कि मतलब पार्टी के डक्रम का हिस्सा? सारे कैपेबल हैं, वही सब कैपेबल हैं। इसको पार्टी के डक्रम का हिस्सा माने, इसको पार्टी के डक्रम का हिस्सा माने, इसमें कोई हर्ज भी नहीं कि इतने लोग हैं हमारे पास, क्योंकि कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी में नहीं होता है ना, भाजपा की कोई ऐसी को लोग कहते हैं ना किसी और। भाजपा का बताओ, मनोहर लाल खट्टर जी, इनका कभी आपने नाम सुना था क्या? जिनको कभी भावी मुख्यमंत्री कहा होता कौन क्या था कभी कि इन्होंने कोई पॉलिटिकल तो कांग्रेस में भी ऐसा हो सकता है, धरना जुलूस किया था, कोई पब्लिक मीटिंग की थी, जिनको कभी भावी मुख्यमंत्री कहा होता? कांग्रेस में भी ऐसा हो सकता है जिसका नाम कभी ना आया वो सीएम बन जाए? कांग्रेस में ऐसा देखिए जब वक्त आता है तब उसी वक्त फैसला लिया जाता है, और एक सिस्टम है हमारा, एमएलए हैं, एमएलए की राय लेते हैं, फिर हाई कमांड देखता है और फैसला लेते हैं, हमारा तो ये इतिहास रहा है।